सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ डे डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज लाइब्रेरी लेबोरेटरीज कंप्यूटर रूम डिजिटल क्लासरूम्स म्यूजिक वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल डांस क्लासिकल एंड वेस्टर्न स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज 38 वेड़ाहरे आउटर रिंग रोड पोस्ट वेसा नागपुर अवर ब्रांचेस एट रामेश्वरी एंड वेड़ाहरी कॉन्टैक्ट नंबर 7276066999 एंड 7276055999 सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज जामसौली के चमत्कारिक हनुमान मंदिर में मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने हनुमान जी के दर्शन किए। मध्यरात्रि 2 बजे से हनुमान जी की श्रीमूर्ति का रुद्राभिषेक महापूजा के बाद महाआरती की गई। सुबह 5 बजे से हनुमान जी की श्रीमूर्ति के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर के गर्भगृह को फूलों से सजाया गया था। प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। कई भक्त पद यात्रा कर गदा अर्पण करने पहुंचे। मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने अयोध्या में विराजे रामलला की हूबहू प्रतिकृति मंदिर परिसर में स्थापित की, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रही। मंदिर ट्रस्ट कमेटी और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जगह जगह महाप्रसाद और पेयजल वितरित किया। ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्थान के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धालुओं को मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी दी। भारतीय जीवन में श्री राम के सुपात्र पवन पुत्र हनुमान जी का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। पवन सुत के प्रति इस अगाध श्रद्धा का केंद्र है जामसौली का हनुमान मंदिर, जहाँ पीपल के पेड़ के नीचे लेटी हुई अवस्था में हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमा की नाभि से पवित्र जल आता है। पांडना जिले के सोनसर तहसील मुख्यालय से 7 किलोमीटर और नागपुर छिंदवाड़ा नेशनल हाईवे पर बजाज चौक से पांडना मार्ग पर 1 किलोमीटर दूर जामसौली का हनुमान मंदिर श्रद्धा व आस्था का केंद्र है। किंवदंतियों के अनुसार हनुमान जी की श्रीमूर्ति पीपल के पेड़ के नीचे स्वयंभू प्रकट हुई है। पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान हनुमान जी की श्रीमूर्ति ऊर्ध्वमुखी है। संपूर्ण भारतवर्ष में इस तरह की ऊर्ध्वमुखी श्रीमूर्ति कहीं और नहीं है। मान्यता है कि यहाँ श्रीमूर्ति के नाभि से निकले जल से असाध्य बीमारियां ठीक होती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।